चादा। चादा। में जो मेरा क्या जा रहा है मेरा राशन आ, कल से अलग निकाल देना भैया हाँ, बना भी ले तो लेना फिर अपने आप मैं बना लूंगा अपने आप हाँ। आप जैसे लोग मेरे ऑफिस में आए ना हाँ तो दो किलोमीटर दूर रोक दिया तो जाएंगे कोई बात नहीं सर मैं आप जैसे लोग मेरे घर पे आए ना वो भी बाहर खड़े रहते आपके घर पे आएगा कौन ये बताइए आप अरबान दिस इज टू मच फिर बोल रहे आपके जबरदस्ती बिग बॉस ये तीन प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं शुरू हो गया ना ड्रामा हो गया ना मुझसे बहस अलग हो जाओ तुम्हें वो लोग लो मिले जो बहस कर नहीं पाए तीन आदमी तीन आदमी जैसे ये लेके आए तीन आदमी को तो दोस्तों बिग बॉस ओटीटी टी थ्री के एपिसोड फोर में अरमान मलिक दीपक चौरसिया और शिवानी कुमारी के बीच हो जाती है काफी बड़ी लड़ाई जिसमे दीपक चौरसिया सभी को समझा रहे थे की राशन जो आता है वो मंडे टू मंडे आता है और एक हफ्ते का ही राशन एक बार में आता है जिस पर अरमान मलिक बोलते हैं कि हम सबको पता नहीं था कि राशन एक हफ्ते का आता है या कितने दिन का आता है हम सब यही सोच रहे थे कि राशन अभी आएगा 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 और जो राशन था वो बिना सोचे समझे सबने खत्म कर दिया क्योंकि सभी को लग रहा था कि राशन दोबारा आएगा इस पर बीच में टोकने की वजह से दीपक चौरसिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं हैं और अरमान अरमान मलिक मलिक से 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 बहस करने लगते उधर रिप्लाई में मलिक भी दीपक चौरसिया काफी बदतमीजी से बात करते हैं और दोनों के बीच काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है इस बीच दीपक चौरसिया अरमान मलिक से यह भी बोलते हैं की तुम अपनी दो वाइफ के साथ आए हो तुम सब इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक होकर खेल रहे हो जिस पर अरमान मलिक के साथ साथ उनकी दोनों वाइफ भी बोलने लगती है और दूसरी

नीरज का कहना है कि शिवानी नॉमिनेट हुई है इसलिए वो ज्यादा ही भड़क रही है आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में